हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ नारायण नर्सिंग कॉलेज GNM के बारे में, किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। देन आपको उसमें टाइप करना है नारायण नर्सिंग कॉलेज GNM 2023 आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको नारायण नर्सिंग कॉलेज GNM से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया नारायण नर्सिंग कॉलेज GNM 2023 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज्ड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न। देन यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है। GNM ग्रेजुएट्स कैन ऑपरेट एज स्टाफ नर्स, होम नर्स, हेल्थ विजिटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। देन यहाँ पे टू नर्सिंग कोर्स दिया गया यहाँ पे सीटेड अबव। देन यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हेल्थ क्वालिफिकेशन। देन आपको गेट फ्री काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि सो जो एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है, क्लिक या अप्लाई ऑनलाइन में आप क्लिक करेंगे। देन आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले प्रोसेस होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सेलेक्ट फ्लेवर एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम। देन यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। देन आपके फ़ोन में एक OTP आएगा या फिर आपके ईमेल आईडी पे वेरीफाई ईमेल आएगा, तो उसके बाद हम आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, फिर हम आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। देन यहाँ पे आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है आपने अपना OTP वगैरह सब डाल दिया था। देन आप क्लिक और प्रोसेस पर आप क्लिक करेंगे। देन आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना होता है, जेंडर, रिजर्वेशन कैटेगरी, कास्ट, फिर यहाँ पे पेरेंट, गार्जियन, एनुअल इनकम बताना होता है, हॉस्टल रिक्वायर्ड, बस सर्विस रिक्वायर्ड, फिर इज़ द पर्सन हैविंग डिसेबिलिटी, फिर यहाँ पे चॉइस करना आपके मतलब गार्जियंस में। देन यहाँ पे फादर का इन्फॉर्मेशन देना होगा। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होता है। यहाँ पे पहले यहाँ पे अपना एड्रेस देना होता है। एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लाइन वन, फिर फर्स्ट देना होता है, सेकंड यहाँ पे देंगे, फिर यहाँ पे ब्लॉक डालेंगे, आपको जो भी ब्लॉक होगा वो डालेंगे। देन यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी आपको बतानी होती है कौन सी सिटी है आपकी, पिन कोड यहाँ पे डालना होगा। देन यहाँ पे 12th का क्वालिफिकेशन डालना होगा, स्कूल का नेम यहाँ पर बोर्ड डालना होगा, ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया था आप वो बताएंगे यहाँ पर। देन यहाँ पे मार्किंग स्कीम बताएंगे एंड देन यहाँ पे 12th का भी इन्फॉर्मेशन देना होता है, प्रोग्राम एंड देन यहाँ पे स्कूल का नेम बताएंगे, फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया था वो बताएंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो 12th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट देना होता है एंड देन यहाँ पे मार्किंग स्कीम देनी होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको अपना ग्रेजुएशन डिटेल्स देनी होती है, फिर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर अदर क्वालिफिकेशन एंड देन सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क्स आपको डालना हो जितना आपने मार्क्स ऑप्टेंड किया था। एंड देन यहाँ पर आगे की प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यहाँ पे आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो देना होगा, मार्कशीट देना होगा 10th का, डिप्लोमा मार्कशीट, फिर यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देन अदर सर्टिफिकेट्स देने होंगे। देन आपको सेव इन कंटिन्यू में क्लिक करनी होगी एंड उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।